राजस्थान संकट पर दिल्ली में हलचल, आज दोपहर में पर्यवेक्षक अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया को सौंपेंगे लिखित रिपोर्ट। सोमवार को जयपुर से दिल्ली पहुंचे पर्यवेक्षक खड़गे और माकन, सोनिया गांधी को दी मौखिक जानकारी। सोनिया से मुलाकात के बाद अजय माकन बोले, गहलोत समर्थक विधायकों ने तोड़ा पार्टी का अनुशासन। लिखित रिपोर्ट के बाद कांग्रेस आलाकमान राजस्थान को लेकर कर सकता है बड़ा फैसला, कुछ विधायकों पर कार्रवाई संभव। पार्टी नेता महेश जोशी और शांति धारीवाल के खिलाफ कांग्रेस कर सकती है कार्रवाई। सूत्रों के मुताबिक 30 सितंबर तक यथास्थिति बनी रहेगी। गहलोत गुट का बयान, हम सोनिया के सिपाही लेकिन मंजूर नहीं गद्दार को पुरस्कार। सूत्रों के मुताबिक गांधी परिवार से मिलेंगे गहलोत और विवादों को लेकर करेंगे बात। सूत्रों का दावा, राजस्थान में सियासी संकट के बीच अशोक गहलोत अध्यक्ष पद की रेस से बाहर, आलाकमान गहलोत से नाराज। कांग्रेस अध्यक्ष पद के दावेदारों में केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खड़गे और दिग्विजय सिंह का नाम भी आया सामने। अजय माकन, वेणुगोपाल और कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ राहुल गांधी ने किया राजस्थान पर मंथन। केरल से दिल्ली पहुंचे वेणुगोपाल ने भी सोनिया से की मुलाकात। आज तक से बोले प्रताप सिंह, खाचरियावास बगावत आलाकमान के खिलाफ नहीं, बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने का लगाया आरोप। गहलोत कैंप के शांति धारीवाल ने अजय माकन पर लगाया बड़ा आरोप, कहा पायलट के लिए कर रहे थे प्रचार। सचिन पायलट पर भी शांति धारीवाल ने बोला हमला, कहा गद्दारी करने वाले को पुरस्कार बर्दाश्त नहीं। गिराना चाहते थे जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए प्रदेश कांग्रेस, गद्दारी करने वाले लोग। गहलोत के करीबी शांति धारीवाल ने कहा, विधायक हमारे पास आकर जता रहे हैं अपनी चिंता। इस्तीफा देने वाले गहलोत कैंप के विधायक जितेंद्र सिंह के बदले सुर, कहा मैं आलाकमान के साथ, इस्तीफे का काम गलत। ये इन्होंने त्यागपत्र जो पॉलिसी अख्तियार की है, मैं उससे सहमत नहीं। सियासी संकट के बीच जयपुर में पोलो मैच देखने पहुंचे गहलोत कैंप के विधायक और मंत्री, स्पीकर सीपी जोशी भी रहे मौजूद। गहलोत सरकार के खेल मंत्री अशोक चंदाना बोले, पोलो खेलना हमारी निजी जिंदगी का हिस्सा, सियासत से कोई लेना देना नहीं। ताजा सियासी संकट पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का बयान, कहा पार्टी विशेष के लोग ही निकालेंगे समाधान, मेरी भूमिका नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे टोक्यो, आज जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। पीएम मोदी इस दौरे पर जापानी प्रधानमंत्री किशिदा से भी करेंगे मुलाकात, शिंजो आबे की पत्नी से भी मिलेंगे पीएम। 20 से ज्यादा देशों के प्रमुख भी अंतिम संस्कार में होंगे शामिल, पूरे जापान में हाई अलर्ट। पीएम मोदी गुजरात के सूरत में 29 सितंबर को करेंगे लिंबायत इलाके में रोड शो, बाद में रैली को भी करेंगे संबोधित। आज भी गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा, गांधीनगर में किसानों के साथ करेंगे संवाद। 2024 के लोकसभा चुनावों तक जेपी नड्डा बने रह सकते हैं बीजेपी अध्यक्ष, उन्हें एक्सटेंशन देने की तैयारी में पार्टी। बीजेपी के नए अध्यक्ष का आगे अभी नहीं होगा चुनाव, 20 जनवरी को खत्म हो रहा है नड्डा का कार्यकाल। केरल पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, आतंकवाद का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है राज्य, यहां जिंदगी सुरक्षित नहीं। बुधवार को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जाएंगे केरल। हिमाचल दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, अगर 1971 में पीओके पर फैसला हो गया होता तो आज ये भारत के पास होता, पाकिस्तान के साथ नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर चिराग पासवान ने साधा निशाना, कहा चार सीएम से मिल लेने भर से कोई पीएम नहीं बन जाता। अमरावती में गरबा आयोजन में पहुंची सांसद नवनीत राणा, खुद भी किया गरबा।
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान, कहा सेंट्रल एजेंसी जबरन किसी को परेशान करेगी तो राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। राजस्थान में जारी संकट के बीच राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया पहुंचे मंदिर, कहा 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे गहलोत। हरिद्वार पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, नवरात्रि के मौके पर माया देवी मंदिर में किए दर्शन और पूजा पाठ। कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, ऑपरेशन में मारा गया एक आतंकी, एनकाउंटर के दौरान एक जवान और 2 नागरिक जख्मी। मारे गए जैश आतंकी की पहचान पाकिस्तानी के रूप में हुई, कई हथियार भी जब्त। जल्दी पीएफआई को सरकार कर सकती है बैंक, संगठन की हर गतिविधि पर जांच एजेंसियों की नजर। 15 राज्यों में 100 से ज्यादा जगहों पर एनआईए की रेड और सबूत मिलने के बाद सख्ती की तैयारी, अब तक दर्ज हो चुके हैं कई एफआईआर। हाथरस में संपत्ति बंटवारे को लेकर बेटे ने की मां की हत्या, आरोपी बेटा फरार, पत्नी को किया गया घर से गिरफ्तार। ऋषिकेश में अंकिता मर्डर मामले में आरोपी पुलकित के रिजॉर्ट पर बड़ा खुलासा, पूर्व स्टाफ ने बताया रिजॉर्ट में होता था जिस्म फरोशी का धंधा। पूर्व कर्मचारी की माने तो अय्याशी का अड्डा बना हुआ था रिजॉर्ट। गंदी से गंदी गालियां दी जाती थी, बहुत ही ज्यादा वैसा व्यवहार होता था, और क्या बोलते हैं 3-4 दिन बाद उनकी वाइफ भी आती है। रिजॉर्ट की पूर्व स्टाफ का दावा, वहां लड़कियां लाई जाती थीं, लेकिन रजिस्टर में उनकी एंट्री करने से रोक देता था पुलकित। हत्याकांड को लेकर एसआईटी का बयान, कहा वारदात वाले दिन रिजॉर्ट में रुके गेस्ट की भी पड़ताल, मुख्य गवाहों और रिजॉर्ट स्टाफ से पूछताछ जारी। पौड़ी में अंकिता के घर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी, विधानसभा में उपनेता विपक्ष भुवन कापड़ी और विधायक प्रीतम सिंह ने परिजनों से की मुलाकात। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने भी अंकिता के परिजनों से मिलकर दी सांत्वना, कहा दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी सरकार। योग गुरु बाबा रामदेव ने की अंकिता हत्याकांड की निंदा, हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग। उत्तराखंड का चर्चित अंकिता भंडारी की मौत का मामला पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, आज होगी सुनवाई। मेरठ में घर के बाहर टहल रहे युवक की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी में कैद बाइक सवार बदमाश। मर्डर के बाद इलाके में तनाव, मौके पर पहुंची पुलिस ने दिया आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा। यूपी के कासगंज में भारतीय किसान यूनियन स्वराज गुट और बीजेपी किसान मोर्चा के बीच मारपीट, थाने में तोड़फोड़, कई लोग हिरासत में। पंचकुला में पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार, सीबीआई अधिकारी बनकर घूम रहा था आरोपी। मथुरा में एक शख्स ने किया सुसाइड, लड़की के घर वालों की शादी से मना करने पर जान देने का शक। लखनऊ में हथियार के दम पर रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 18 सितंबर को हुई थी वारदात। कोलकाता में फिनशोर मैनेजमेंट नाम की कंपनी पर ईडी का छापा, बैंक फ्रॉड मामले में कार्रवाई। चिकमंगलूर में आरएसएस नेता को जान से मारने की धमकी, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की तफ्तीश।